अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रजा खान और आप देख रहे हैं धरती नवाबंदी। व्यूवर्स, आज मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब मलिक जाम अख्तर साहब मेरे साथ तशरीफ फरमाएं। व्यूवर्स, आज हम एक अनोखी जगह जा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। व्यूवर्स, हम चलते हुए जा रहे हैं इस तरफ और मेरे साथ मेरे भाई जाम अख्तर साहब हैं और बड़ी मुश्किल से आज इन्होंने टाइम निकाला है। बड़े दिनों से टाइम ले रहा था और इनका शुक्र गुज़ार हूँ कि इन्होंने टाइम दिया। ये देखें पीछे का व्यू, इवनिंग हो रही है और यहाँ पर कपास उगी हुई है। व्यूअर्स, ये हमारे गांव का कल्चर है, देखें जी। व्यूअर्स, ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा छोटा सा मुन्ना सा फ़ैन है, ये भी साथ आ गया है, इसे मिलवाते हैं। बिस्मिल्लाह मुन्ने, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? खैरियत है? तबीयत सर ठीक ठाक है? खुशबाश हो? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह करम। सारे व्यूअर्स को क्या आखना चाहते हो? बस गरीबी तो हाल ही हाल है। सलाम सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? खुश हो? हाँ, कहीं को पैगाम देना चाहते हुए आली वान था और दे संगे? अच्छा, आली वान बस किसी को पैगाम नहीं देना चाहते, दे रहे हाली। अच्छा, चले सलामत रहो, अल्लाह हाफिज। ये था हमारे इलाके का बहुत बड़ा दरबार जहाँ पर अब इस वक्त हम आए हुए हैं और भाई जाम अख्तर साहब की कोई यहाँ दुआ की मन्नत थी तो उन्होंने कहा कि आप भी रजा भाई साथ चलें, ये छोटा भाई भी साथ है। आए व्यूअर्स, आपको दरबार का नज़ारा करवाएं। ये मस्जिद है पहले और मस्जिद के साथ ये व्यूअर्स दरबार है, ये बैक का नज़ारा है। ये देखें जी, आपको नज़र आ रहा होगा, ये दरबार शरीफ है और ये इसी छोटे से एरिए में है और बहुत देहाती में है। ये साथ ही मेरे दोस्त ठहरे हैं। व्यूअर्स, ये भाई मेरे जाम अख्तर साहब दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला इनकी हाजत पूरी करे। ये दरबार का एरिया है, ये देखें जी दरबार शरीफ, दरबार आलिया, ये देखें जी ये साथ मस्जिद है, यहाँ दरख्त और ये देखें यहाँ छोटे छोटे से पौधे भी लगाए गए हैं ताकि ये बड़े हो के मुसाफिरों के लिए छांव का ज़रिया बन सकें। ये एक पौधा लगा हुआ है, ये फिर साथ इसके दीवार है, फिर ये आबादी और ये देखें जी ये बच्चा बैठा है ये साथ। व्यूअर्स, ये छोटे भाई ने बहुत ही अच्छे से मेरी रहनुमाई की है, अल्लाह ताला इसकी जो परेशानी है तमाम दूर करे और अल्लाह ताला इसे पाकिस्तान का बहुत बड़ा आदमी बनाए, मेरी दिल से दुआ है। और मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, जो आलीवान शहर में दोस्त रहते हैं उनको भी ये सलाम दे रहा है और प्यार भरा मैसेज दे रहा है कि रजा भाई के चैनल को लाइक कमेंट सपोर्ट करें और जो है ना सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जितना हो सके शेयर करें। ये छोटे भाई की ये रिक्वेस्ट थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसे सलामत रखे और जो हमें लाइक करेगा उसे कबाड़ के ही बुलाएंगे, हम उसे रोज़ी एहसान भी लाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जिधर भी रहते हो आलीवान से क्या जो भी मुल्क में रहते हो, हमें फॉलो करो, लाइक करो, सबसे ज़्यादा फैसल भाई तुम भी करना, हमारे तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं यार, नहीं तोड़ना। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये मेरे बहुत ही प्यारे मदनी भाई दोस्त हैं, होते तो वैसे लाहौर में हैं और स्पेशली दो दिन से यहाँ पर आए हुए हैं और इन्होंने कहा कि मैं भी रजा भाई आपके कुछ व्यूअर्स को, प्यारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ, आइए इनसे सुन। अस्सलाम वालेकुम प्यारे सर, प्यारे दोस्त, प्यारे भाईजान, जहाँ 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 भी आप हो ठीक है, खुश रहें अलहम्दुलिल्लाह, पंचन पाक के सदके। ये हमारा भाई है भाईजान, अलहम्दुलिल्लाह बचपन के हमारे दोस्त हैं जी ठीक है। ये अपना हिसाब किताब करके ये देखें अलहम्दुलिल्लाह
ये हमारा साथ बहुत देते हैं। ठीक है, आई लव यू। थैंक यू व्यूअर्स, सलाम कर दे मेरे दोस्तों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शाम का टाइम हो गया है और सूरज ग़ुरूब होने को जा रहा है और ये देखें ग़ुरूब होने के जो मोमेंट्स हैं, लम्हात हैं, वो चेक करें आप। ये देखें, ये मेरे गांव की, मेरे इलाके की ये इवनिंग, ये सामने अल्लाह मबास का ठहरा है। ये व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना ये पसंद आएंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं, तब तक के लिए अगले ब्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।